डॉक्टर ढाल सिंह हुसैन, सांसद बालाघाट बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सहित बालाघाट की समस्त जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल जनता बंद का आह्वान आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कोरोना वायरस से बचाव हेतु कल दिन भर का जो बंद का आह्वान किया है, आप सब उसमें सहयोग करें। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि बंद का आह्वान इसलिए है कि ये वायरस एक से दूसरे को फैलता है, और यदि हम लोगों ने एक दूसरे से संपर्क नहीं रखा और तो इसके कारण इसकी चेन टूटेगी और इसके वायरस को फैलने का जो कारण बनता है उसमें हमको फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मैं समस्त कार्यकर्ता बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, यद्यपि प्रशासन के माध्यम से सूचना आप सब तक आपके ग्रामीण क्षेत्र तक आई होगी, पर इस समय पर पूरे देश से लोग, बच्चे जो बाहर पढ़ने वाले हैं या जो मजदूर भाई हमारे कमाने के लिए गए थे, ये सब भारी संख्या में अपने गाँव में लौट रहे हैं। उन सबसे चर्चा करके उनसे अनुरोध करना है कि यदि आपका कहीं वहाँ पर किसी तरह का या अपने परिवार का कोई पॉजिटिव प्रकरण सामने आया हो, और उसको तो निश्चित रूप से वहीं रोक लिया गया होगा, पर उनके साथ के लोग जो यहाँ पर आए हैं वो सब इससे सावधानी रखें, गांव में अन्य लोगों से ना मिले जुलें, अपने आप को अलग थलग रखें और सावधानी के साथ रहते हुए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ अपने गाँव की और इस देश को कोरोना से सुरक्षित रखने में मदद करें। यह बहुत आवश्यक है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, पर हमको अपने तरफ से अतिरिक्त सावधानी रखनी है, प्रशासन की बातों को सुनना और मानना है। और जो भी व्यक्ति इस दिशा में हमारे कार्यकर्ता या हमारे शासकीय अधिकारी सहित जो भी व्यक्ति इसमें आपको सुझाव देते हैं, उन सबके सुझावों का पालन करना हम सुनिश्चित करें और भारत देश को इस कोरोना वायरस से निपटने में हम सब मदद करें। डरना नहीं है, पर डट के लड़ना है, और इस लड़ने की दृष्टि से हमको सावधानी बरतना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।